गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का फजल करम है हम भी सब खैरियत से है। और आज हम बनाने वाले नंदी निहारी, मटन स्पेशल नंदी निहारी की रेसिपी है गाइस। आप लोग एंड तक के हमारे साथ में बने रहना तो आप लोगों को रेसिपी पता चलेंगी। बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी थी ये और सब लोगों की फेवरेट है गाइस, और बहुत ही मतलब सेहत के लिए बहुत ही अच्छी रहती है रेसिपी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हमारी रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट में बोल कमेंट करना गाइस। इसको बहुत से लोग पाई भी बोलते हैं, बहुत से लोग नल्ली निहारी भी बोलते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते गाइस। हमने इसको अच्छे से साफ करके रख लिया, देखिए अब इसको हम अच्छे से और धो लेंगे। और थोड़ा सा इसमें मटन भी था और ये बकरे के पाए है, हमने इसको अच्छे से धो लिए साफ कर लिए। फिर अब इसमें हमने चार साइज के कांदे कटिंग करके डाल दिए बारीक चॉप करके, और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी। और इसके हमने 5 सीटी ले लिए गाइस, तो ये अच्छे से गल गए थे एकदम नरम, इसका बहुत ही अच्छे से गल गए थे। फिर इसमें हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, देख सकते गाइस आप लोग अच्छे से ये गल गए, ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मस्त गल गए थे। कुकर के हमने 5 सीटी ले लिए थे, उसमें अच्छे से ये गल गए। अब इसमें मसाला ऐड कर देंगे, हम आपको तोड़ के भी बता रहे हैं इस तरीके से एकदम नरम से गल चुके। थोड़ा सा हमने इसमें मटन भी ऐड किया था, यहाँ पे हमने अदरक लहसुन 4-5 हरी मिर्ची ले ली, इसका भी पेस्ट बना लेंगे और इसको भी पीस लेंगे अच्छे बारीक। और यहाँ पे कुछ मसाले, ये हमने जो पेस्ट बनाए थे उसका है अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने मिक्सर में बनाई। मिर्ची कश्मीरी लाल मिर्ची 2 चम्मच, ये 4-5 लौंग, गरम मसाला, दालचीनी, मटन मसाला लिए 1 चम्मच, धनिया पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच, बस इतने ही मसाले इसमें ऐड होते गए, ज़्यादा मसाले की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत ही टेस्टी बन गया था ये। और 3 चम्मच के करीब हम इसमें तेल ऐड करेंगे, रिफाइंड ऑयल, देख सकते 3 चम्मच है ये, हमने वाटी में डाल दिए थे 1 वाटी भरकर, बस ज़्यादा मसाले ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जितना इसको पतला बनाएंगे उतना ही टेस्टी लगता खाने में, देख सकते हैं। अब इसकी मैं 2 सीटी ले लूँगी और यही सब मसाले इसमें मैंने ऐड कर दी थी, और 2 सीटी ले लेंगे। इसमें मैंने 3 हरी मिर्ची डाल दी थी और 2 सीटी में मसाला अच्छे से पक जाएंगे। मैं आपको खोल के भी बताती हूँ, देखिए हमारी 2 सीटी हो गई, देख सकते हैं आप लोग हमारा मसाला भी अच्छे से पक चुका है। इसमें थोड़ा सा मैंने ऊपर से कोथमीर ऐड कर दी थी। हमारी नल्ली निहारी रेडी हो चुकी गाइस, मैं आपको निकाल के भी बताती हूँ, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही टेस्टी लग रही थी खाने में, गरम गरम रोटी से, पराठे से, चावल से, आप जो चाहे मन आपका करे उससे खा सकते हैं गाइस। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद आई थी, घर वालों को भी बहुत पसंद आई थी। आप लोग कमेंट में बताना मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से देखिए हमारा बन चुका है, मैं आपको 1 चम्मच से और तोड़ के बताती, देखो कितना सा नरम से अच्छे से गोश्त गल चुका है, पाए भी गल गए। बहुत से लोग बोलते गलता नहीं जल्दी, लेकिन ये 5 सीटी में एकदम अच्छे से गल चुका था। और मसाला डाल के मैंने 2 सीटी और ले ली थी, यानी 6 सीटी में पूरा खाना बन के रेडी हो चुका था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर ज़रूर करना।